किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। आज हमारे फार्म पर आए हैं खालिद भाई। आप सब जानते हैं खालिद भाई नींबू की बागवानी करते हैं और मुगल माजरा गांव में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। इन्होंने हमें कटिंग के बारे में बताया कि कटिंग किस समय करते हैं और किस प्रकार करनी चाहिए, जो आज ये आपको प्रैक्टिकल कर दिखाएंगे। उसके लिए हमने 2 से 3 पौधे सेलेक्ट करे हैं। आप मेरे बाग में देखेंगे कि ये नींबू का पौधा है और उधर जो है ये लेमन का पेड़ है। तो ये दोनों में आपको कटिंग कर बताएंगे कि कटिंग क्यों करनी चाहिए और किस प्रकार करनी चाहिए और इसकी क्या महत्ता है, क्यों करते हैं हम कटिंग नींबू की। किसान भाइयों, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे साझा करूँगा कि नींबू के पौधे की कटिंग कब करें। आइए पूछते हैं खालिद भाई से। खालिद भाई, अपना इंट्रोडक्शन दो पहले थोड़ा। मैं खालिद, जिला सहारनपुर, मुगल माजरे का रहने वाला हूं और मैं 2 साल से बागवानी कर रहा हूं नींबू की। खालिद भाई, हमें ये बताओ कि जैसे अमरूद की कटिंग के बारे में हमने सुना था और मैंने बहुत वीडियो बनाई है, नींबू की कटिंग क्यों करते हैं? नींबू की कटिंग इसलिए करते हैं, एक तो हमारा पेड़ है ये नीचे फैल जाएगा, एक इसे ऊपर रखने के लिए हमें ब्रांचें निकालनी पड़ती है और ये जो वाटर सूट है इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। क्यों वाटर सूट क्यों करती है, तो बहुत अच्छी चल रही है। नहीं, ये बिल्कुल बेकार होती है, इनका कोई फ़ायदा नहीं है और ये पौधे की सब ताकत अपने अंदर ले लेती है। हमारा पौधा जो है ये ऊपर बढ़ने लायक है और इसकी ब्रांचें रखनी चाहिए। किसान भाइयों, ये देखिए, ये जो वाटर सूट हैं इन्हें आप आसानी से पहचान सकते हैं। ये बिल्कुल हरी होती हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो ये खाद और पानी की मात्रा, जिस प्रकार आपके ग्राफ्टिंग अमरूद के पौधे में जो कलम से नीचे का भाग होता है उसके कल्ले हटाते हैं, इसी प्रकार ये जो वाटर सूट हैं, 1, 2, 3, 4, देखिए 4 वाटर सूट हैं इसमें, इनको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। और वाटर सूट कई जगह होती है, ये देखिए ऊपर भी एक वाटर सूट है इसमें, ये जरूरी नहीं है जड़ से ही होंगी, ये कहीं से भी होंगी। और सर इसमें एक बात और है, हाँ। जैसे हमारा ये पौधा है इसमें कैंकर रोग का जो ब्रांचे हैं हमें ये भी निकालनी होगी, नहीं तो ये भयंकर रोग होता है बहुत और इससे पौधे में बहुत नुकसान हो जाता है। ये कैंकर रोग की ब्रांचे भी हमें निकालनी पड़ेगी देख के। तो आइए शुरू करते हैं इस पौधे की कटिंग। देख अब चलिए, ये देखिए ये जो इन्होंने काटा है, ये हमेशा आपको जैसा अमरूद में काटते हैं तिरछा काटना है आपको, थोड़ा तिरछा काटना, सीधा ना काटें। तो ये हटा दें आप, अब ये जो कैंकर ग्रस्त टहनियां हैं नीचे की तरफ उनको हटा रहे हैं। दिखाओ 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 इनको, दिखाओ। ये कैंकर रोग से ग्रस्त ब्रांच है, ये निकालनी बहुत जरूरी है। अच्छा खालिद भाई, आपने ये बहुत बड़ी टहनी थी, ये यहाँ से ही क्यों काटी, यहाँ से क्यों नहीं काटी या यहाँ से क्यों नहीं? नहीं सर, इसमें से जो ब्रांच यहाँ से निकलेगी वो ऊपर जाएगी और इसका। खालिद भाई का कहना है कि जैसे ये ब्रांच दिखाइए ये निकल रही है इसमें, इस तरह से यहाँ से और भी ब्रांच निकलेंगी और वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो जो ऊपर की तरफ रहेंगी वो हमारे पौधे को एक आकार देने में सहायता करेगी। ये भी बताओ इन्हें क्यों काट रहे हो, यहाँ से नहीं काट सकते? यहाँ से काट सकते।
किसान भाइयों, ये देखिए हमारा कटिंग का पहला सिद्धांत, हमें जितनी भी वाटर सोर्स हैं वो हटानी है, और कहाँ तक की हटानी है, जहाँ भी पौधे पर वाटर सोर्स मिलेंगी वो सब हटानी है। दूसरा सिद्धांत ये देखिए, इससे नीचे हमने सारा साफ कर दिया, तो ये दूरी लगभग 2.5 फीट ही होगी। अब यहाँ से ऊपर पौधा चलेगा तो नीचे हमें इसमें इसका ये तना मजबूत होगा, और अब जितनी भी एनर्जी पौधे को मिलेगी वो सब यहाँ पर ऊपर की तरफ मिलेगी और इसे बढ़ने में बहुत सहायता देगी। तो जो भी हम खाद पानी देंगे उससे हमें ये पौधा बहुत जल्दी और बहुत अच्छी छत्रक का रूप लेगा और बहुत अच्छी तरह बढ़ेगा। अब आप इसको आगे देखिए, जो इसमें जहाँ भी देखिए किसान भाई, ये लीफ माइनर आया था और फिर इसमें ये देखिए, ये लीफ माइनर का प्रकोप था और इसी हमने दवाई भी डाली थी, ये ख़त्म भी हुआ है। और ये टहनियों में ये देखिए, इस तरह से ये कैंकर रोग भी शुरू होगा। ये सब टहनियाँ हमें हटानी है, देखिए ये जो सूखा है ना, ये सब आपको हटानी है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि खालिद ने हमें पौधों की, जो नींबू के पौधे हैं उनकी कटिंग के बारे में बताया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि पहले पौधे की शाखा, जो मेन शाखा है, जो मेन तना है, वो कम से कम आपको 3 से 4 फीट तक एक ही ले जाना है। लेकिन इसमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप पौधा खरीदें तो उस पौधे को अच्छी तरह देखें कि उसमें एक ही तने वाला पौधा होना चाहिए। तो कटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि पौधे को हमें पहले 3-4 फीट तक ले जाना है और उसमें जो अवांछित जो हमारी टहनियां हैं उनको हटाना है, जो रोगग्रस्त टहनियां हैं उनको हटाना है। इससे आपका पौधा स्वस्थ होगा और जल्दी बढ़ेगा। इसी के साथ हम धन्यवाद करते हैं खालिद भाई का और इजाजत लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।